श्रीमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नए प्रधान के चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। चुनाव 5 नवंबर को होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एसजीपीसी के जनरल हाउस की मीटिंग 5 नवंबर को बुलाने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अवतार सिंह एसजीपीसी की कुर्सी दोबारा संभालने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं और अपनी सेहत का हवाला देकर एक बार इस दावेदारी से पीछे हटने वाले अवतार सिंह मक्कड़ अब कह रहे हैं कि अगर पार्टी उनको दोबारा कमान संभालने का मौका देगी तो वो कमान संभालने के लिए तैयार हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल हाउस बुलाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बाद श्रोमणी कमेटी ने 5 नवंबर को अपना जनरल हाउस बुलाया है, जिसमें कमेटी के प्रधान सहित और पदाधिकारियों की चुनाव किया जाएगा। 5 तारीख नवंबर की मुकर्रर की है, दिन 12:15 बजे जनरल इजलास सदन जी तेजा सिंह समुद्री हाल इस दफ्तर जी, तो उस मुताबक डिप्टी कमिश्नर साहब ने उन्होंने प्रिजाइड करना होंगे पहली बार, जो इलेक्शन हो जाती है तो उस तो बाद जो प्रधान साहब इलेक्ट होंगे ने फिर उस तो बाद मीटिंग की प्रधानगी करते हैं। वो इस तरह सिस्टम यह होंगे कि गवर्नमेंट की करती है जी, या तो किसी डिप्टी कमिश्नर इन्होंने छुट्टी के दौरान किसी होर डिप्टी कमिश्नर ला देंगे ने, या गवर्नमेंट किसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी कह सकती है, ऐसी कोई गल नहीं हैगी। सवाल है पर नॉर्मली वो किसी होर जिले के डिप्टी कमिश्नर 2 दिन 3 दिन पोस्ट कर देंगे ने, सिस्टम यह होंगे। वहीं सीएलपी नेता चरणजीत सिंह चन्नी का कहना है कि एसजीपीसी प्रधान का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता और उनकी सरकार आने के बाद इसको लोकतांत्रिक तरीके से करने की कोशिश की जाएगी। कोई इलेक्शन नहीं है, सिर्फ ते सिर्फ बादल परिवार की चिट्ठी है जिन्हों मिल जाती वह प्रधान बन जाता। ये आने वाले समय सिस्टम है जो खत्म करके एसजीपीसी के लोकतंत्र राज लोगों का अपना नुमाइंदा होना चाहिए जिहड़ा कि असी स्थापित करांगे जदों सरकार आएगी। दी गल है जी, जिहड़ी रोक लगी सी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दित्ता, उस तों बाद श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का नवी चोण वास्ते इजलास जिहड़ा पहला इजलास है नवें हुए चुने मैंबर का वह 5 नवंबर नूं हो रहा। जनरल हाउस की तारीख तय होने के बाद अब प्रधान और अन्य पदाधिकारियों के नामों की चर्चा पर जोर चल रहा है। इनमें जथेदार अवतार सिंह, पूर्व मंत्री सेवा सिंह सेखवा और पूर्व प्रधान कृपाल सिंह बडूंगर के नाम भी शामिल हैं। आपको बता दें कि श्रोमणी कमेटी के 170 सदस्यों के चुनाव के लिए आम चुनाव 18 सितंबर 2011 को हुए थे। इसमें श्रोमणी अकाली दल और संत समाज दोनों ने कुल 170 सीटों में से 157 सीटों पर जीत हासिल की थी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया।